हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है ब्रेड सैंडविच। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने खीरा लिया है, इसे अच्छी तरह से धोकर मैंने छिलके के साथ ही घिस लिया है। आप चाहें तो बिना छिलके के भी घिस सकते हैं। फिर यहाँ प्याज ली है, इसे भी घिस लिया है खीरे में ही। अब यहाँ पर टमाटर लिया है, इसे भी धोकर इस तरह से घिस लेना है खीरे और प्याज के साथ ही। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर भुट्टा लिया है, ये कच्चा भुट्टा है, इसे भी घिस लेना है। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ कच्चा भुट्टा क्यों डाल रही हूँ, लेकिन सैंडविच में डालने के बाद इसका कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आता है और ये हेल्दी भी होता है। अब जो हमने खीरा, प्याज और टमाटर घिस के रखा था, उसका हमें सारा पानी निकाल देना है। इस तरह से देखिए निचोड़ लेना है। अब इन सभी चीज़ों को भुट्टे में डाल देना है। अब मैं इसमें मेयोनी डाल रही हूँ, आपको जितनी पसंद हो उतनी मेयोनी आप डाल सकते हैं। अब इसमें काला नमक डाल देना है, मैंने यहाँ पर वाइट नमक नहीं डाला है। यहाँ पर अब काली मिर्च का पाउडर डाल देना है, यानी ब्लैक पेपर पाउडर। अब चाट मसाला डाल दें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैं यहाँ पर ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अब जो हमने सब्जियों का और मेयोनीज का मिक्सचर तैयार करके रखा था, उसे ब्रेड पर इस तरह से लगा देना है। दूसरी वाली ब्रेड पर मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी ब्रेड पर अच्छी तरह से फैला लेना है। अब जो टोमेटो केचप वाली ब्रेड है, उसे हमें मेयोनी वाली ब्रेड पर इस तरह से लगा देना है और बीच में से कट कर देना है। मैंने ब्रेड के किनारों को काटा नहीं है, अगर आप चाहें तो इन्हें काट भी सकते हैं। यहाँ पर हमारी सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।